जो कौन सा वाला बढ़िया था, सोहन बढ़िया था ना? यस यस मैम। तो वो जो सोहन था, आप देख रहे थे कितने सिस्टमेटिक वे से वो स्टडी कर रहा था, लाइक वो स्कूल भी जा रहा था एंड स्कूल के साथ साथ मैनेज भी कर रहा था बहुत सारे। एक मेरे को ना उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी स्टार्टिंग वाली की, कि जो आपका 6 बजे का टाइम होता है, क्योंकि कुछ बच्चों का स्कूल मॉर्निंग में ही होता है ना, और तो आपके पास, हाँ आप बोल सकते हो कि हम टाइम नहीं होता, बट जो वो चीज थी ना, इवन जो अगर आप किसी टॉपर की भी स्ट्रेटेजी सुनोगे ना, वो यही बोलेंगे जिन्होंने स्कूल के साथ क्रैक किया है, कि क्या होता है वो, आप लोग अपनी स्टडी टेबल पे वो स्टिकी नोट्स चिपका लेते हो या अपनी वॉल्स पे चिपका लेते हो या आपने कोई अलग से नोटबुक ले रखी होती है। तो सुबह सुबह ना मैं भी ऐसे करती थी, बट मैं तब जेई के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही थी, मैं अपने स्कूल में, लाइक मैं जनरली ऑर्गेनिक की रिएक्शंस ऐसा मैंने नोटबुक पे लिखा होता था। सुबह मेरे पास थोड़ा टाइम भी होता था, 10-15 मिनट, जैसे मान लो मैं खाना खा रही हूँ तो मेरे पास नोटबुक है, मैं फटाफट रिवाइज कर रही हूँ, ऐसे फटाफट रिवाइज कर रही हूँ, मेरे दिमाग में जा रही है वो चीज। तो ये चीजें बहुत हेल्पफुल रहती है। ठीक है, आप लोगों के पास फॉर्मूला शीट सब चीजें अवेलेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों के पास ना हो, तो आप ये छोटे छोटे 15-15 मिनट, 20-20 मिनट्स आप स्पेंड कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्कूल में कोई टीचर नहीं आता है, कोई आपको फ्री टाइम मिल रहा है, आई नो बहुत बच्चे करते हैं वो चीज, बट नहीं करते तो आपको करना है। ठीक है, और रही बात अनिरुद्ध की, मैम नीट करें या 12th करें, बेटा अगर तू 12th कर पा रहा है अच्छे से, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है लाइक वो समझ में आ रहा है ना, और तुम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, तो अपना नीट पे ही फोकस रखो। देखो मेरा तो 4-5 साल का यही एक्सपीरियंस है कि जो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, वो 12th में फोड़ के आता है, सीधी सी बात है। मैंने जितने भी नीट वाले बच्चों को पढ़ाया है, वो बच्चे स्कूल की छुट्टी लेते थे, वो बच्चे इवन अपने प्री बोर्ड्स में भी, बोर्ड्स में भी उन्होंने हमारे साथ क्लासेस लगाई हैं, जब उनका ज्यादा गैप हो जाता था, जब उनकी छुट्टियां ज्यादा होती थी किसी पेपर में, वो तब भी आए हैं हमारे पास। वो सिर्फ लास्ट के दिनों में उन्होंने वही पढ़ा जो हमने बताया था, टीचर्स ने बताया था, एनसीईआरटी कर ली उन्होंने लास्ट के टाइम पे, क्वेश्चंस लगा लिए, पेपर वहीं से ही आया, सबके 90-90+% है। अच्छी बात है उनका 90+ आए हैं, बट वो कोई देखेगा नहीं, वो कोई पूछेगा भी नहीं, मेन आपका नीट का रिजल्ट होता है, तो ऐसा मत सोचा करो। हाँ बस एक चीज होती है, आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है नीट में, आपके एमसीक्यूज आते हैं, बट नेहा मैम भी ये चीज बोल रही थी ना, कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सीखा है, राइट? आपने बहुत ज्यादा डिटेल में सीखा है, और इतना डिटेल में सीखा है कि आपके पास जो बोर्ड का एग्जाम आएगा, आप वहां पे बहुत ज्यादा चीजें लिख सकते हो, समझ रहे हो? और केमिस्ट्री में कभी भी कोई आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं निकाल रहा, आपने अगर स्पेलिंग गलत लिख दी है वो आपके नंबर नहीं काटेंगे। आप बड़े बड़े, उसने नहीं कहा एग्जामिनर ने, आप बड़े बड़े आंसर लिखो, वो जो पूछ रहा है की कॉन्सेप्ट लिखो, नंबर पाओ। केमिस्ट्री की ये खासियत है मेरे बच्चों, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, तो अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट ना, अपनी मेहनत से कर रहे हो, एंड अनिरुद्ध यू आर, तुम तो टॉपर हो भाई, तुम्हारा स्कोर सबसे अच्छा आता है उत्तराखंड में, कभी तुमने देखा है अपना स्कोर तो, है ना? तो तुम्हारा, तुम तो नीट पे ही फोकस करो बेटा। ठीक है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, नीट करो, आपका बोर्ड अपने आप संभल जाएगा। हाँ एनसीईआरटी कर लेना अपने बोर्ड्स के लिए, ठीक है? अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने कितनी बार ग्रुप में भी डिस्कस किया और क्लास में भी समझाया था, बाद में समझाती हूँ क्लास के बाद, ठीक है? शायद तुम क्लास में नहीं थे उस टाइम पे, इस पे बहुत डिस्कशन चली थी, इस क्वेश्चन पे ग्रुप में भी चली थी और क्लास में भी चली थी। देखो आज मैं कोऑर्डिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाली हूँ, सो दैट आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है, और सारे छाट छाट के क्वेश्चन लाई हूँ मेरा बेटा, प्लीज ध्यान से देख लो अगर तुम कल का टेस्ट अच्छा करना चाहते हो तो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय कॉपर आयन इज मोस्ट स्टेबल। आपको इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में से बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्या आप बता सकते हो? आपको लॉग के की वैल्यू दी हुई है, कैन एनीवन टेल मी? मोनिका है क्लास में? मोनिका है क्या? नहीं है, बुलाओ उसको। अच्छा है,
यस अच्छा ठीक है मोनिका। सिद्रा आप कैसे करोगी ये क्वेश्चन को? मैम, ये थर्ड। अरे बोलो तो सही, मेरी आवाज नहीं आ रही है, तुम लोग ही नहीं बोल रहे हो। मैम आ रही है, मैम आ रही है आपकी आवाज। बोलो फिर। देखो थर्ड। हाँ, थर्ड कैसे होगा, ज्यादा स्टेबल क्लेशन हो रही है उसमें इसलिए। यस मैम। इधर उसने जाल में फंसाया एग्जामिनर ने और तुम लोग फंस गए। यहाँ पे लोग के क्या है, तुम लोगों का स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, पता है ये वाली चीज। मैम पढ़ाना तो होगा लेकिन भूल गए हैं, और क्लास में ना बोलना भी पड़ेगा। अगर तुम लोग सोचते हो 22 बच्चे जो ज्वाइन किए हो बस क्लास में सुन के चले जाएंगे, नीट क्रैक कर लेंगे, तो बहुत नहीं होता बेटा ऐसे। यू हैव टू बी सुपर एक्टिव। तनिषा के किसी दिन तुम्हें ना स्टोरी सुनाऊंगी कि उसने कितना स्ट्रगल किया है, ठीक है? अभी तो तुम्हें बहुत अच्छा सा लग रहा होगा, उन्होंने क्लियर कर लिया, उनका तो बहुत ये हो गया, लक फैक्टर होगा, ये बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आई होंगी। उनकी किसी दिन मैं स्टोरी सुनाऊंगी, मैंने देखा है, ठीक है? सो कभी बताऊंगी। वो बहुत क्वेश्चन पूछती थी, बहुत क्वेश्चन तनीषा, और क्लास में इतनी एक्टिव रहती थी वो, इतनी एक्टिव। जो काम दिया है मेरे को रात को अगर 2 भी बज जाएंगे ना उसको वो भेजेगी मेरे को काम। बता रही थी ना कि किस तरीके से क्वेश्चंस, मतलब लास्ट में समराइज करती थी, मतलब काफी सारी चीजें बता रही थी वो, क्वेश्चंस कैसे करती थी। तो वो हर एक, मैं जो भी काम देती थी या कोई और टीचर देता तो उसको पता था कुछ वो मैम लड़ेंगी, मेरे को भेजना है, बेशक पूछना तुम कभी उनसे, ठीक है? वो भेजती थी अपना सारा काम, पूरे साल उसने ये चीज फॉलो किया है, तो वो आज यहाँ पे, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बन पाए थे, उसका ड्रीम यही है। इधर आओ लोग के। ओके, के क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो अगर लोग के की वैल्यू ज्यादा है मेरा बेटा, इट मींस वो वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा, है ना? यस सिंपली मैम। में हम कॉन्स्टेंट कैसे लिखते थे, भूल गए क्या? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेड। तो जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा ना। तो के की वैल्यू यस किसमें ज्यादा है, लोग के की यस वैल्यू, मैम। बी वाले में, तो बी ज्यादा सेकंड स्टेबल होगा। अब तुम इससे ये दिमाग मत चलाना मैम, आपने तो बताया था किलेशन वाला, हाँ होता है किलेशन वाला, जहाँ पे किलेशन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब लेकिन आपको आंसर कैसे करना है, डेटा के बेसिस पे करना है, गेटिंग माई पॉइंट? तो जो स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट यस इसका मैम। 27.3 आया, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड वाले से। क्लियर है? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, पढ़ना चालू कर दो सबके सब। चलो काफी बच्चे ज्वाइन कर गए हैं, चांदनी, भावना, ऋषभ, महेश, जानवी भी है ना? हाँ जानवी भी है, ओम, ठीक है। काजल बताएगी मुझे, काजल प्लीज टेल मी दिस क्वेश्चन, बताओ कैसे होगा। यस एवरीवन प्लीज ट्राई। काजल वेरी गुड, शिवा प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी गुड अपूर्वा, अक्षरा शाबाश। देखो अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे क्वेश्चंस आज ही डिस्कस कर लूं 8:30 तक, तो प्लीज आप अपना थोड़ा एक्टिव रहो, रेज योर हैंड। महेश बता भाई, महेश, अनिरुद्ध, प्रखर, और किससे पूछा था मैंने, काजल, मोनिका, अंकिता, आप बताओ थर्ड मैम कैसे होगा बेटा, एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि जो लिगेंड इंक्रीज होता है तो जो वेव लेंथ होती है वो डिक्रीज होती है ना, तो वेव लेंथ ज्यादा होगी तो जो लिगेंड होगा वो वीक शाबाश, सही बोल रही है अंकिता। देखो होगा। आपको बताया था कि अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी किस चीज में ज्यादा होती है, जब आपका
लिगेंड स्ट्रोंग होगा, यानी कि सीधा अगर मैं बोलू लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतनी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। और आपको पता है एनर्जी क्या होती है, एच सी बाय लैम्डा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। पॉइंट, तो जो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, साइनाइड है, सल्फोनिया है और फिर पानी है, राइट, यही है ना। तो इसमें क्या होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता। तो यानी कि अपना वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, एनर्जी कम, वेवलेंथ ज्यादा होगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन उसका करेक्ट होगा। गेटिंग माई पॉइंट, मैंने आपको शायद पेपर उसमें भी कराया था क्लास में क्वेश्चन। तो ऑर्डर है ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा बेटा। तो आप जब कल का टेस्ट देने जाएंगे ना, तो एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ऊपर ऊपर से जरूर पढ़ के चले जाना, समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस टाइप से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री। पूरे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे। अनिरुद्ध मेरे को आंसर बता बेटा इसका। कैसे करोगे अप्रोच इस क्वेश्चन को अनिरुद्ध? तुम लोग बोलते क्यों नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आता, मैं बोलती रहती तुम लोग बोलते ही नहीं। क्वेश्चन तो बड़े तुम पूछ रहे थे सेशन में है, और यहाँ पे तुमसे कोई क्वेश्चन का आंसर पूछ ले तो तुम चुप्पी साध लेते हो, है? तो हाँ ना, में भी तुम लोग जवाब नहीं देते, ऐसे रिस्पेक्ट करोगे क्या टीचर्स की? चाहने से कुछ नहीं होती, चाहने से कोई चीज नहीं मिलती, पूरी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है आपको, बट आप लोगों को है ही नहीं कुछ। टीचर कुछ पूछ रहे, हाँ ना में भी जवाब नहीं देते हो। हाँ ना में तो जवाब दो कि मैम नहीं पढ़ा ये चैप्टर, नहीं पढ़ा तो पढ़ के आओ फिर जाकर बताओ, कौन बताएगा? मैम ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हाँ तो ऐसे बोलो ना, बोलना तो पड़ेगा आप लोगों को, ताकि मैं फिर अप्रोच बताऊं इसकी। अगर ऐसी तुम चुप्पी ले लोगे, ठीक, मैं तो कराऊंगी नहीं, मैं कहूंगी ठीक है कर लेना घर से। अब ये बताओ कौन अप्रोच कर पाएगा इस क्वेश्चन को? तमनप्रीत को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, बाकी और बताओ। पहले वो रिएक्शंस लिखने की हाँ मतलब हाँ मेरा कैसे बेटा, बने हाँ ठीक है, एजेस तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? मैम, अभी निकालना नहीं मतलब समझ नहीं आया, बट अप्रोच ऐसा मतलब लगेगा कि पहले रिएक्शन लिखेंगे ना, कितने मतलब मोल्स बनेंगे जिससे। देखो ध्यान से सुनना, इसने ना क्या बोला है, मैं एक बार बता रही हूँ फिर से दोबारा इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। वो बोल रहा है कि व्हेन 0.1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, इसने लिख के नहीं दिया इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा, मतलब ब्रैकेट के बाहर कितना सीएल होगा, इसने नहीं बताया ना, क्योंकि अगर वो बता देता तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही ना। तो ये बोल रहा है कि जो ये जो कंपाउंड है, अगर इसने 0.1 मोल लिया है ना इसका, तो आपको 0.2 मोल AgCl मिल रहा है ना। यस मैम, तो यस हमें किसमें देखना, 1 मोल में अगर हमें पता चल गया बेटा कितने AgCl मिल रहे हैं 1 मोल में, तो हमें पता चल जाएगा ना ब्रैकेट के बाहर कितने Cl है, तो 1 मोल में कितने मिलेगा? मोल 1 मोल में कितने मिलेगा, 2 ही मिलेंगे ना। यस अब करके दिखाऊंगे, 0.2 by 0.1 into 1, ठीक है, 2 मोल AgCl मिलेंगे। यानी कि मेरा बेटा जो ये कंपाउंड है, अगर तुमने इसका 1 मोल लिया तो 2 मोल AgCl मिल रहे हैं। इट मींस जो भी इसका स्ट्रक्चर होगा ये कॉम्प्लेक्स का, ब्रैकेट के बाहर कितने Cl होंगे, दो दो अंदर जो बच गया वो डाल दो, कोबाल्ट बच गया, 5 अमोनिया बच गया और 1 Cl बच गया, बन गया ये स्ट्रक्चर। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब वो बोल रहे 2 AgCl मिलेंगे, हाँ भाई ये हमारा बन गया। तो वो कह रहा है कंडक्टिविटी क्या होगा, तो जब आप इसको पानी में डालोगे
तो किस तरीके से डिसोसिएट होगा, ये तो अलग मिल जाएगा आपको क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, डिसोसिएट नहीं होगा। ये आपकी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, दो सीएल नेगेटिव मिल जाएंगे। तो कितना रेशियो हो गया, 1:2 टाइप का नहीं हो गया? यस मैम। इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन? अब बताओ किसी को डाउट है क्या? नो मैम। ठीक है, अब ऐसे वाले क्वेश्चन जितने भी मैंने असाइनमेंट में दिए थे आप लोगों ने पक्का स्टार मार्क तो किया होगा उनको, तो अब करके देखना। ठीक है चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए मेरा बेटा। भावना अगर आपको आता है, ऋषभ बेटा तुम रेगुलर स्टूडेंट्स हो ना, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, आप लोग हैंड रेज करो। मैंने बहुत मेहनत की थी इनके असाइनमेंट्स बनाने में, 8 असाइनमेंट्स तुम लोगों को दिए थे। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा एक्टिवली तो पार्टिसिपेट करो, 10 लेक्चर लगाए हैं इस पे। एंड अगर तुम लोग ऐसे बिहेव करोगे कि मैम कुछ भी नहीं आता है तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, है ना। वेरी गुड बच्चों, तमन, मोनिका, पूर्वा, शिवा, जानवी, काजल, बहुत ही बढ़िया बेटा। जानवी और जानवी कह रही हूँ, हाँ चलो जानवी, जानवी आप बताओ। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड, आपको 1 मोल जब आप ट्रीट कर रहे हो तो आपको 3 मोल मिल रहे हैं, तो ऑप्शन थर्ड होना चाहिए क्या जानवी? 3 मोल AgCl का मतलब ब्रैकेट के बाहर कितने Cl होने चाहिए? CCl तो एक मैम, थ्री मैम, थ्री होना चाहिए ना, तो 3 होना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा? यस मैम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना, इसने 3 मोल कैसे बना होगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, यही रहा होगा ना? तो पक्का बाहर ब्रैकेट के कितने सीएल रहे होंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे तो देखो 2 मिलने वाले हैं और यहाँ पे 1 मिलने वाला है, और यहाँ पे कितने मिलने वाले हैं, 0। ठीक है जानवी, तुमने वो क्यों बोला था थर्ड वाला? मैम मैंने सोचा H2 है ना, तो उससे मतलब 5H2 से 2AgCl मिलेंगे। हाँ समझ गई, H2O नहीं, AgCl है ना, AgCl निकल रहा है, मतलब 3 Cl होंगे ब्रैकेट में। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 5th करो मेरा बेटा। आपको करेक्ट आयोपिक नेमिंग बताने, ये वाले क्वेश्चन भी आएंगे टेस्ट में सारे, पूरे जितने, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैम इस वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे बता दो, सारे टॉपिक जितने भी क्लास में करवाया है ना सबसे सवाल आएंगे पेपर में, बिकॉज 40 क्वेश्चन हमें सेट करने होते हैं। अब 40 क्वेश्चन एक टॉपिक से तो नहीं डाल सकते है ना मेरा बेटा, तो पूरे चैप्टर से आएंगे। हैंड रेस कीजिए सारे बच्चे, वेरी गुड। एंड ट्रस्ट मी, टेस्ट बहुत सिंपल है, आप लोग चाहें तो पूरे में से पूरा स्कोर भी कर सकते हैं। तुम खुद बताओगे मेरे को कल, जैसे तुम टेस्ट दे दोगे ना, तुमको कहोगे मैम देखो इतना अच्छा टेस्ट हुआ है, ट्रस्ट मी, अगर तुमने ढंग से पढ़ाई की। अब कोई बिना पढ़े टेस्ट देगा फिर वो मत कहना उसका तो नहीं हो पाएगा फिर। अनिरुद्ध बताएगा, फाइनली ही रेज्ड हिज हैंड, बताओ भाई अनिरुद्ध। मैम ऑप्शन फर्स्ट, डाइअमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2, क्या ये ठीक है बेटा बताइए सारे? यस मैम। यस मैम। यस, डाइअमीन डाइक्लोराइडो कैसे लिगेंड का नेमिंग किया है, पहले आपको अल्फाबेट, मतलब बेसिकली अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलना है, तो ए पहले आता है अल्फाबेट में, क्लैपिंग नहीं करी आप लोगों ने अभी तक, और आपका क्लोरिन का सी बाद में आता है। ठीक है, तो डायमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकालोगे इसकी, ये तो न्यूट्रल है, इसका -2 हो जाएगा, यानी कि प्लेटिनम पे +2 का चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स GI दिखाता है?
सोचो 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 जल्दी से तुम सोचो। वेरी गुड शिवा, अरे शिवा जोश में है, शिवा जी राव बुला लूं शिवम शिवा तेरे को ये वक्त, शिवा जी राव। यस मैम। ठीक है वेरी गुड जानवी। जीआई बताना ज्योमेट्रिकल, अब ऑर्गेनिक में मत घुस जाना तुम लोग, पहले बता दो कहीं खाओ मैम यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो है ही नहीं। ठीक है कोऑर्डिनेशन वाला चल रहा है। नहीं पता लग रहा, अच्छा चलो धीरे धीरे हो रहा है हैंड रेस। मोनिका अक्षरा दीक्षा अपूर्वा रेज योर हैंड, भावना जी रानी जी दीक्षा जी दिव्यांशु अगर ये चैप्टर पढ़ा है बेटा अपने स्कूल में तो, मोहित मोनिका फोर्थ चैप्टर पे ही हम ले, फिर तो क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है मेरा बेटा, फिर तो इससे बेटर है कोई और टॉपिक रिवाइज कर लो। मोनिका नहीं, मोनिका नहीं बताएगी, रानी बताएगी, रानी 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 जी मैम बताओ ना। लो चुप क्यों कर तुम लोग, तमनप्रीत आप बताओ। मैम ऑप्शन, हाँ बताओ मैम ऑप्शन ए। यस कॉन्फिडेंस आना चाहिए ए में, ऐसे मैम ए होगा ऐसे नहीं ए मैम, कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट यस, बाकी तो जीआई नहीं दिखाएंगे इसमें। ठीक है कैसे दिखाओगे कैसे बनाओगे, एक बार सीएल को क्या करो दोनों सीएल को सिस पे दिखा दो और वाटर को लगा दो बाकी जगह, और एक बार क्या करो दोनों सीएल को ट्रांस में। अभी उसने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नहीं पूछा, वैसे भी अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी पूछता दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट उसने पूछा ही नहीं, अभी उसने सिर्फ सिंपल पूछा बता दो भैया कौन दिखाएगा, तो ये सिस वाला बना दोगे आप और ये वाला तुम ट्रांस वाला, जो जगह मैंने खाली छोड़ी है वहां पे वोटर लगा देना। लेकिन ठीक है छह क्वेश्चन हो गए, सेवेंथ क्वेश्चन पे आइए सारे बच्चे, और जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप घर पे करेंगे और बिना टेस्ट दिए पहले, मतलब टेस्ट देने से पहले उसको कंप्लीट करेंगे। कोई बात नहीं रानी, कोई नहीं बेटा नेटवर्क इश्यू होगा। लो वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अपूर्वा तमन जानवी। अक्षरा दीक्षा सॉरी अक्षरा दीक्षा, मैं आप दोनों के लिए वेट कर रही हूँ। ऋषभ फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा यहाँ पे, एक बार बता दो मेरे को फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, तुम एक बार वो करो ना अनम्यूट करो ना खुद। दीक्षा फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला भाई बताओ एक बार। डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 इनटू डेल्टा ओ,
भाई ये मत भूल जाना, पहले बता रही हूँ मैं, 9/4 मत करते ना, 4/9 ही करना है। अब आपको ऑक्टाहेड्रल के लिए कितनी दी हुई है, 18,000 × 18,000 ही दी हुई है सेंटीमीटर इनवर्स। आपको निकालनी किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। तो कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला लगाना था। तो ये कितना आ जाएगा, 8,000 हो गया वल्लभ जी। ठीक है चलो, हो गया ना। नाउ 8th क्वेश्चन आउट। कल देखना तुम लोग सारे मेरे को बोलोगे मैम देखो ये स्कोर आया हमारा। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। लगे हाथ नीचे वाला भी कर लो अगर ऊपर वाला हो गया है तो। शिवा कहाँ है बेटा, शिवा है ना क्लास में। हाँ दीक्षा बताओ बेटा, इतना टाइम मिले ना आप लोगों को, इतना टाइम दिक्कत हो जाएगी, इतना टाइम मिले ना आपको। ये क्वेश्चन बेटा 15 सेकंड्स का था। अभी अगर तुम्हारा यही नीट में आता तो ये 10 सेकंड्स का हो जाता, क्योंकि तुम तब तक बहुत क्वेश्चन लगा ले चुके होते। क्या आएगा इसका आंसर दीक्षा, ऑप्शन 3। ऑप्शन C। बेटा आयनाइजेशन कैसे है ये, यहाँ पे तो ब्रैकेट के बाहर तो एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है लिगेंड का। यहाँ पे SCN है और यहाँ पे NCS है। एक बार आपका मेटल सल्फर से अटैच है, एक बार नाइट्रोजन से, तो ये कौन सा दिखाएगा आइसोमेरिज्म, लीकेज। लिंकेज लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें तो नहीं सोचना था, इसमें बताओ 9th में। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ किसने बोला, अरे बोलो ना फोर्थ किसने बोला, लड़ थोड़ी ना रही हो तुम लोगों को। अपूर्व ने बोला। अपूर्वा चुप क्यों हो गई तुम फिर। मैंने 100 किया। ये जो फोर्थ वाला था बिल्कुल सही बोला है भाई, नो यस मैम। आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया है ना। आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन क्या थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। मैं चाहती हूँ कि इस साल ये नीट में क्वेश्चन आए और आधे से ज्यादा जनता आयनाइजेशन करके आए, और तुम मेरे को याद रखो नो आइसोमेरिज्म करके आओ, और 4 नंबर से तुम उनसे पहले ही हजारों रैंक आगे निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि बच्चे करके आएंगे ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, देखते हैं ना, क्योंकि वहां पे प्रेशर इतना होता है ना मेरा बेटा, वो फटाफट तुम यही मार्क करके आओगे सेकंड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं, अब ब्रोमिन भैया जी बैठे हैं, CL है, तो कोई आइसोमेरिज्म किसी भी तरह का नहीं यहाँ पे हम बता ही नहीं सकते, आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि पहली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई है। 10th क्वेश्चन करो बेटा, एक एक नंबर से बेटा बहुत रैंक खेलती है, बहुत ज्यादा रैंक खेलती है। वेरी गुड मेरे बच्चों, बोलो। वेरी गुड, शाबाश। हैंड रेज करो, सोचो। वेरी गुड कमल, वेरी गुड मोनिका, पूर्वा।
मोनिका, पूर्वा, अक्षरा, दीक्षा, ये तो मेरे को चारों के चारों सिस्टर्स लगती है, सिबलिंग्स लगते हैं मेरे को चारों एक जैसे। मोहित आप बताओ, मोहित तुम तो उस सेशन में भी थे ना आई गेस, नेहा मैम वाले सेशन में थे क्या? गिव मी थम्स अप इफ यू वर देयर, थे क्या? नहीं थे, थे के नहीं थे ये, ऐसे ही वहां पे भी थे या होकर भी नहीं थे? सर कई बार मेरे को बहुत हंसी आती है भाई, मैं क्या करूं तुम लोगों को बोलते ही नहीं हो, मुंह में दही जमा लेते हो क्या हैं, या कुछ खा रहे होते हो बोल नहीं पाते, क्या होगा मुझे बताइए। अंकिता मैम, ए ए ए ठीक है क्या? यस मैम, यस मैम, यस ए इज करेक्ट। जो आपका थायोसल्फेट होता है ये आपका एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है, यानी कि मोनो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स और मोनोडेंटेट लिगेंड्स, जबकि जो बाकी आपके बेटा ऑक्सलेटो है ना, ये आपके क्या होते हैं, बाइडेंटेट होता है। और ईएन हो गया, इथाइलिन डायमीन, कैसे बनाते हो इसको? ये तो बहुत पॉपुलर आपका लिगेंड, ठीक है। और ग्लाइसिनेटो कैसे बनाते हो? ये आपका ग्लाइसिनेटो, इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है और नाइट्रोजन, इसमें दो नाइट्रोजन और इसमें ऑक्सीजन। और उसमें आपको लग रहा होगा कि मैम इसमें ऑक्सीजन और सल्फर भी है, लेकिन नहीं, ये एम्बिडेंटेट, ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होता है और एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है। तो प्लीज थायोसल्फेटो को कैटेगरी में मत डालना, चिलेटिंग एजेंट ये नहीं, ठीक है। सेकेंड करो, चिलेटिंग एजेंट में क्या होता है ना, एक ही साथ डोनर एटम जो है वो मेटल को डोनेट करते हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा लिगेंड नहीं है। वेरी गुड, करो करो फटाक से रेज हैंड करो, शाबाश। रानी आप बताइए। सी लिगेंड नहीं है, ये क्या था फिर? ये लिगेंड नहीं है। काजल आप बताइए, काजल सबका मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड मेरा बेटा, क्लैपिंग करो जल्दी से काजल के लिए, जल्दी से करो, शाबाश। अब बेटा ये देखते ही पता चल गया ना, अमोनिया तो क्या है, ये तो अपना ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज लेके बैठ गया क्योंकि इसने तीन से ज्यादा बॉन्ड बना लिए, ठीक है। ये लिगेंड की तरह भी है, और ये इवन वो भी नहीं है, अगर तुम सोचो ये इलेक्ट्रोफाइल है वो भी नहीं है ये, राइट। ये मत सोच रहा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, पॉजिटिव चार्ज तो इसलिए आया क्योंकि इसने अपनी वैलेंसी तीन तीन बॉन्ड बनाते एक एक्स्ट्रा बना लिया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो एन एच फोर प्लस इज नॉट लिगेंड, बाकी सारे लिगेंड है, एनओ बी है, नाइट्रोसिल भूल गए क्या, इथाइलिन डायमीन हो गया, कार्बोनिल हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ऊपर वाला, ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये तो 11th क्वेश्चन था, ये 12th क्वेश्चन है, गिनते जाना कितने हो गए, करना 12 और 13। कल बायो का भी टेस्ट है क्या तुम लोगों का? नहीं no, नहीं ऑप्टिक्स का, फिजिक्स ऑप्टिक्स का है ना? यस मैम। शिवा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है क्या? मैम पढ़ा है।
अच्छा बाकी हो गए थे क्वेश्चन? मैं हैंड रेस कर रहा हूँ, मेरे साइड से हो नहीं रहा नेटवर्क की वजह से। अच्छा ठीक है मेरा बेटा, ओके कोई बात नहीं। मोनिका आप बताइए। मैम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। वेरी गुड, शाबाश। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज तो नहीं होगा, आयनाइजेशन भी, आयनाइजेशन होगा क्या? आयन का एक्सचेंज ही नहीं है, अंतर भार है ना मेरा बेटा, तो आयनाइजेशन भी हटा दो, कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, सॉल्वेट क्यों होगा? याद करो मैंने ये कॉम्प्लेक्स तुम्हारे नोटबुक में लिखवाया भी हुआ है, ठीक है? यहाँ पे देखो वॉटर कितने अंदर, छह है, बाहर क्या कर दिया इन्होंने, एक बाहर भेज दिया और पांच अंदर ही रहे, यानी कि यहाँ पे वॉटर का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है अंदर बाहर, यानी कि ये किसका एग्जांपल है, सल्फेट आइसोमेरिज्म। उसके बाद नेक्स्ट करो, आयुपक नेमिंग बतानी है आप लोगों को। अक्षर आप बताएंगे। मैम सी ऑप्शन। वेरी गुड, सी ऑप्शन, डाइअमीन क्लोराइडो, अगर कहीं पे क्लोरो भी लिखा हो तो नहीं नहीं नहीं, लेट मी जस्ट चेक। ओके देखो 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 देखो, यहाँ पे तुम्हें फसा ना दे, नहीं नहीं प्लेटिनेट है यहाँ पे। अगर कहीं पे मान लो क्लोराइडो की जगह क्लोरो भी लिखा मिल जाए और ऑप्शन में क्लोराइडो ना हो तो इट्स ओके, पहले जमाने में क्लोरो लिख देते थे, ठीक है जी। बट अगर मान लो क्लोरो भी है क्लोराइडो भी है देन फिर आपको क्लोराइडो पे मार्क करके आना पड़ेगा, बट ऐसा आएगा नहीं। तो डाइअमीन डायमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन, वाई एन, बिकॉज ये नाइट्रोजन से अटैच होगा तुम्हारा मेटल, प्लेटिनम टू। प्लेटिनेट तो तब आता है बेटा जब आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, ये कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल हो या कैटायनिक हो, उसमें जैसे मेटल को हम पुकारते हैं ना उसको हम वैसे ही लिखते हैं, प्लेटिनम को प्लेटिनम लिखोगे, निकल के निकल लिखोगे, आयरन को आयरन लिखोगे, है ना, मैग्नीज को मैग्नीज लिखोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ये माइनस वन ये माइनस वन, तो प्लेटिनम पे कितना आएगा, प्लस टू का आएगा, टू, शाबाश। ये करिए, ये तो मैंने क्लास में भी करवाया था। यस मैम। हाँ सिद्रा को तभी याद है, अरे सिद्रा तुम लीव होगी थी क्या? नो मैम। अच्छा सिद्रा बताएगी फिर, एक भी नहीं बताया सिद्रा ने, बताओ सिद्रा। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होगा, कैसे बनता था ये, यस ठीक है। तो यहाँ पे डीएसपी थ्री होती है इसकी, आयरन क्या होता है यहाँ पे 3D6 4S2, क्योंकि अब CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा, तो जो S वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी किसमें, D में ही पेयरिंग हो जाएंगे, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हो गया 3D, ये हो गया 4S और ये हो गया आपका 4P, तो DSP3 क्या हो जाएगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले एग्जामिनर, हो सकता है ये पूछ ले कि कौन सी D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रही है, तो DZ स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को जो नोट्स में लिखवाई हुई है। नेक्स्ट कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, चांदनी बेटा अगर आप मेरे को सुन पा रही हो तो प्लीज आप भी थोड़ा एक्टिव रहो आंसर बताने में बेटा। भावना आप भी, भावना एक्सप्लेनेशन दे दो एक बार क्यों डी कह रही हो। ओम आपने भी एक भी नहीं बताया बेटा, अपूर्वा तुम बताओ।
हम डी ऑप्शन डी यस मैम क्यों बेटा डी कैसे होगा मैम क्योंकि ये एससीएन ऐसे इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म भी हो सकता है और ये शाबाश यस बाकी में देखो क्या होगा अगर आप इसमें बनाओगे तो दो ही बनेंगे सिस ट्रांस इसमें बनाओगे तो मेरे को तो लग भी नहीं रहा एक सुपर बनेगा भी है ना यस मैम एक ही बनेगा इसमें तो चार अमोनिया को इस तरीके से लगा दो और इस तरीके से ठीक है तो एक ही बनेगा इसमें कैसे बना सकते हो इसमें हाँ बना सकते हो आप लोग एक से ज्यादा बना सकते हो इसमें देखो दो तो वही बनेंगे सिस ट्रांस तो बनेंगे बनेंगे लेकिन एक में क्या होगा नाइट्रोजन से अटैच होगा है ना और दूसरे वाले में भी दो ऐसे बना दो जहां पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है दो ऐसे बना दो जिसमें सल्फर सल्फर से हो रहा है और दो ऐसे बना दो एक में नाइट्रोजन और एक में सल्फर तो मैंने छह तो तुम्हें बता दी है ना yes. Yes, मैं बना के दिखा देती हूँ एक बार तुम दोनों नाइट्रोजन से दिखा दो एक बार दोनों सल्फर से दिखा दो ठीक है और एक बार कैसे दिखाओगे एक बार ट्रांस में इससे दिखा दो क्या बोलते हैं और नाइट्रोजन से दिखा दो ठीक है ये तो मैंने सिस सिस वाले बनाए तुम ट्रांस वाले और बना दोगे तो सबसे ज्यादा किस में बनेंगे बेटा डी वाले में बनेंगे क्लियर है यस मैम यस मैम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से आपको ये बताना है कौन सा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है ये मैंने टॉपिक कराया था आपको लास्ट में यस मैम और बच्चे भी हैंड रेज कीजिए प्लीज देखो ये क्वेश्चन ना इतनी ही देर का था अगर आप हैंड रेज नहीं कर रहे इट मींस या तो आप भूल चुके हैं कौन सा होगा पाई बॉन्डेड नहीं है बताना मैम ऑप्शन डी ऑप्शन डी टिन वाला तो आपका सिग्मा वाला है ना सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है बताया तो था मैंने आपको यस मैम ये मैंने शायद क्लास में भी करवाए थे ये वाला क्वेश्चन और ये क्या है तुम्हारा जिस सोल था पहला ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या स्ट्रक्चर था इसका ये था है ना देखो पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है ठीक है और ये क्या है आपका फेरोसिन है याद करो यस मैम ठीक है और ये क्या है आपका वही क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स है ये भी आपका पाई बॉन्डेड है ठीक है तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा टी एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट था वो भी क्या था आपका सिग्मा बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड इसको तो बड़ा यूज करूंगी मैं ऑर्गेनिक में आने वाले एक दो लेक्चर के बाद ये वाला क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा
क्या हुआ, नहीं आ रहा? बेटा ये सिंपल क्वेश्चन में ही आता है, मुश्किल थोड़ी ना ये वाले तो अपने पता नहीं कितने क्वेश्चन किए थे क्लास में। हैं जी जानवी? मैम ऑप्शन सी आ रहा। हाँ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तो अच्छा आपसे पूछे कौन सा दिखाएगा, सी वाला दिखाएगा क्या? मैम ए वाले को क्या लिखोगे? मैम ए वाला दिखाएगा ना? ए वाला दिखाएगा। नो मैम, नो मैम, होगा कैसे होगा? कैसे होगा भाई, कहाँ दिखाओगी इसको? ऑप्टिकल आइसोमेरिज में कहाँ दिखाओगी बताओ मेरे को। यहां से प्लेन पास करना, कहाँ दिखाएगा बताओ? और प्लेटिनम वाले तो वैसे स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये तो हटा दो। यहाँ पे क्या है? ट्रांस साइनोबिस यानी कि CR AN2 CL, ठीक है CL2 ये है। ट्रांस में बताना है, तो ट्रांस में कैसे बनाओगे सारे? मैम, हाँ देखो वो डायसाइनो लिखा है तो उसके साथ अच्छा भी तो पड़ेगा। येलो, ठीक है तो कैसे बनाओगे ट्रांस वाला, ऐसे बनाओगे? यस मैम, यस मैम, अब बताओ क्या यहाँ नहीं है क्या? यहाँ भी है, यहाँ से पास करा दो। ये वाला तो यस। मैंने कहा था तुम लोग ना या तो रिवाइज नहीं किया या तुम भूल रहे हो। ये वाला जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है, ये मैंने बोला था कि इतना पॉपुलर है एग्जाम में, और मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए थे। बेटा अगर आपको लगता है ना कि आपको प्रिपरेशन करनी है टेस्ट की, तो सबसे अच्छा तरीका यही है, यू जस्ट नीड टू रिवाइज थ्रू क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करो। तुम्हें मैंने कितने असाइनमेंट शेयर किए थे? 8 किए थे ना, उन 8 को 8 दोबारा करो। मतलब अगर मान लो देखते ही क्वेश्चन हो जा रहा है उसको मत करो, जो आपसे नहीं बने थे पहले टाइम उसको दोबारा करो, वही एक अच्छा तरीका है। नहीं तो आपको लगेगा मैम इतना बड़ा चैप्टर है, 10 लेक्चर में करवाया, अब क्या ही रिवाइज करें। समझ रहे हो मेरी बात? आपको मैंने माइंड मैप भी दे दिया था। ये देखो ये वाला तो फेवरेट है ना एग्जाम्पल, मैंने बताया था। यस यस मैम, अगर आप मैम, बनाओगे तो इसमें तो प्लेन पास होने से रहा, और आपकी क्या बनेगी? मिरर इमेज बनेगी, विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। तो ये क्या यस होगा आपका? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो मेरा बेटा। होम प्लीज ट्राई टू बी एक्टिव बेटा इफ यू आर इन क्लास। बता दो, कोई भी बता दो, आप कुछ 7-10 बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, क्या मैम होगा? ऑप्शन सी, मैम ऑप्शन सी,
सी सी वालों को वोट दे। वेरी गुड मेरा बेटा, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। यस मैम। प्लैटिनम वाला सिस हो ट्रांस हो डजंट मैटर, ये स्फीयर प्लैनर बनाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ट्रांस वाबियरे को सिस वाला ट्रांस वाला याद करो, आपके नोट्स में है, उस पे आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ कि ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट सिस वाला क्या होता है मेरा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, मैं बना के भी दिखा देती हूँ एक की, इसकी जब मिरर इमेज बनाएंगे तो वो ये बनेगी, है ना, देखो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और सॉरी एक्टिव है, एक्टिव एक्टिव मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ जी बेटा। मैम जब हमें ना पता चले कोई भी प्लेन कैसे पास करके कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो मैम उसकी मिरर इमेज बना के देख ले। हाँ यस, मिरर इमेज बना के देख लो। देखो ऑर्गेनिक में तो पारस से लगा लेते थे इनेंशियमर विनेंशियमर, इसमें आप मिरर इमेज बना के देख लेना, वरना आपको पता ही चल जाएगा, आपके जो पॉपुलर एग्जांपल है ना नोट्स में उसी में से ही आएगा पेपर में। तो जितने भी मैंने एग्जांपल करा रखे ना, हो सकता है कि यहाँ पे तो मैंने दो तीन ही लिए हैं, बट नोट्स में जो भी एग्जांपल्स मैंने कराए थे ना, यस मैम, वो आप एक बार ऊपर ऊपर से देख जाना, ठीक है, आपको हेल्प हो जाएगी। ये वाला कीजिए, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन बोलते हैं ना, वो है ये। महेश कहाँ चला गया? इसमें ना मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, मेरे को पता चल जाएगा कितने बच्चे क्लास में बैठे हैं और कितने बच्चे नहीं, फिर कल तुम्हारे घर पोल लगाऊंगी मैं। वेट, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, कोई भी आंसर नहीं देगा चैट में। तुम लोग ना बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए, लगता है टीचर्स से भी ज्यादा, क्लास में आते हो सिर्फ अटेंडेंस के लिए। और कैमरा ऑन करो सारे के सारे, बहुत हो गया अब तुम लोगों का, मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। कैमरा ऑन करो एंड आंसर दो मुझे पोल के थ्रू। मोनिका और तमनप्रीत बहने क्यों लग रही है आज मेरे को? मोनिका इतनी टेंशन नहीं लेनी है बेटा, ठीक है, यू आर डूइंग वेरी वेल, डोंट टेक स्ट्रेस। करो करो, पोल लॉन्च कर दिया मैंने। पांच वोट आ गए हैं 20 बच्चों की क्लास में, 8 वोट। मैम पोल शो नहीं हो रहा। हाँ मैम पोल शो नहीं हो रहा। हैंड रेज कर ले बेटा काजल, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। मैम पहले मुझे भी नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है। कैसे किया तुमने, अपडेट किया क्या? मैम वो नहीं, अपडेट नहीं किया मैम, जो ऊपर आता है ना मीटिंग कोड, वहाँ पे क्लिक करके ना थर्ड सेक्शन में एक्टिविटीज आता है, वहाँ पे शो हो रही है। अच्छा देखो मोनिका, ओ जिसका भी नहीं होता काजल, वहीं पे ही होता है, एक्टिविटीज में जाना पड़ेगा आप लोगों को। जो आपकी तीन डॉट है ना फोन में, उस पे जाओ, वहां पे ऊपर ऊपर नहीं होता कभी भी, वहां पे आएगा तुम्हारा एक्टिविटीज लास्ट में, वहां पे जाओ और वहां पे मिलेगा पोल। चलो तो बेसिकली 14 स्टूडेंट्स के वोट आ गए हैं, बी को दिया है 8 बच्चों ने वोट, सी को दिया है 3 बच्चों ने वोट, और डी को भी दिया है 3 बच्चों ने वोट। तो बेटा जिन्होंने ना ऑप्शन सेकंड को आंसर किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। यहाँ पे देखो NiCO4 भूल गए तुम लोग, निकल क्या होता है 3D8 4S2, और यहाँ पे निकल क्या है 0 में होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, एस वाले इलेक्ट्रॉन भी पेयरिंग हो जाएगी, तो इस तरीके से दिखाओगे, तो डी वाली तो पूरी फिल हो गई ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 आएगी, ठीक है। और निकल CN4 ये क्या बनाएगा, dsp2 बनाएगा,
और ये क्या बनाएगा, sp3 बनाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, है ना। निकल जो सेकंड वाला है, निकल 2+ है, उसमें वो d8 होगा। बताओ अगर कोई इसमें से तीनों में से कुछ समझाना है तो मेरे को, मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, फिर बताओ। ये ठीक किया है बच्चों ने, आप लोगों ने, क्योंकि कुछ बच्चों ने गलत भी किया है, 6 बच्चों ने गलत किया बेटा आंसर। हो जाएगा ना, ये आपका d8 होगा बेटा। तो जब आप d8 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट, अब cn स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, तो इसको भी पेयरिंग करवा देगा, ठीक है। और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये बन जाएगा DSP2। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पे क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो SP3 हो जाएगा। चलो, आपसे आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ सकता है एग्जामिनर, आपसे ज्योमेट्री भी पूछ सकता है, तो हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। ये बताओ, आपको बताना इनमें से कौन सा इनर ऑर्बिटल बनाएगा, और साथ ही साथ डायमैग्नेटिक भी होगा वो। इसके भी पोल लॉन्च करोगे? ना ना ना, बस मिल गया मेरे को, बस डेटा चाहिए था कि कितने बच्चे एक्टिव बैठे हैं क्लास में, वो मुझे मिल गया बेटा। ओके मैम। बताओ क्या होगा शिवा? मैम फर्स्ट ऑप्शन। ओके अनिरुद्ध? मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 कैसे होगा ऑप्शन 3 बेटा बताओ। आपको बताना इनर ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होनी चाहिए, yes, और एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए बेटा। यहाँ पे d10 होता है शिवा, तो वो तो यस मैम, वो मैंने सॉरी इनर ऑर्बिटल में मैंने, हाँ ये आउटर आपका क्या होगा, sp3d2 होगा, आउटर ऑर्बिटल और डाया, ठीक है। और ये क्या होगा, d2sp3 तो होगा लेकिन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। गेटिंग माय पॉइंट? और एक बार नीचे वाला देख लो लगे हाथ, ये sp3d2 होगा, याद करो ये वाला केस में क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 यही था ना। हमें 2 खाली चाहिए d2sp3 के लिए, तो वो कहता है अगर मैं पेयरिंग कर भी लूं तो 2d तो मिलेंगे ही नहीं, इससे बेटर मैं पेयरिंग नहीं करवाता। तो ये क्या बनेगा, sp3d2 बन जाएगा, ठीक है बच्चा। ये वाला कोबाल्ट +3 है, d6 है, मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। कौन कौन से ऐसे थे जो वीक फील्ड लिगेंड थे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, और अपना क्या था, नाइट्राइड, और क्या था, SCN वाला नेगेटिव, SCN माइनस भी, ये था। इन सातों के अलावा बाकी सारे के सारे कोबाल्ट अगर +3 में है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, तो पेयरिंग हो जाएगी, तो वो डायमैग्नेटिक होगा और d2sp3 हो जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा।
अंकिता आप बताओ। मैम बी सेकंड या फोर्थ? फोर्थ। कैसे आया बेटा? मैम क्योंकि वो पहले लो उसमें जाता है ना, फिर वैसे हाई जाता है, इसलिए। क्या नाम होता है इसका? पहले मैम क्या इसका नाम क्या होता है? टी टू जी और वो ई जी होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्रोमियम प्लस थ्री है, इसमें डी थ्री होगा। वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो जो तीन इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाएंगे? तीन में। और वैसे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? D1 में, D2, D3 में, इस एक ही सेम टाइप की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी होती है, ठीक है। T2G में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर अगर D2 है तो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, D3 है तो थ्री जाएंगे। मेन पेयरिंग वाला पंगा कहाँ से होता है? 4, 5, 6, 7। फिर अगेन 8, 9, 10 में क्या होता है? सेम होता है, राइट। तो और ये क्या है, DXY, DYZ और DZX, बिकॉज इनकी एनर्जी कम होती है, ज्यादा रिपल्शन ये वाले डी ऑर्बिटल फेस करते हैं, ठीक है। yes. तो आपके जो तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इसमें जाएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने असाइनमेंट में भी डाला था, ठीक है। चलो अगेन ये कौन सा क्वेश्चन है, अगेन पैरामैग्नेटिक से सवाल है। क्वेश्चन पढ़ना, मिनिमम पूछा है, पता चले मैक्सिमम बता के आ गए। अपूर्वा आप बताओ। हम डी ऑप्शन। एक्सप्लेन करो। हम एफई में 3D6 आ रहे हैं तो 400 हो जाएंगे, क्योंकि सारे में वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। और निकल में 3D8 हो जाएंगे तो इसमें 2 आ जाएंगे। क्रोमियम में 300 और मैंगनीज में सारे 500। क्रोमियम में बेटा D4 होगा, क्रोमियम 2+, ठीक है ना। क्रोमियम 2+ में, क्रोमियम 3+ में होता है ना, तब D3 आता है, ठीक है। यहाँ पे 5-1 पेड़ होंगे तो आंसर तो तुम्हारा ठीक है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए अगेन। तुम्हें खुशी होती होगी ना तुमसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं? यस मैम। मैम खुशी भी होती है, फिर मैम ये दिमाग में आता है कि अभी तो हो रहे हैं, फाइनल एग्जाम में होंगे कि नहीं। बिल्कुल होंगे, नेगेटिव क्यों सोचते हो? जब तुम खुश होते हो तो आपके डोपामिन, मैम बता रही थी ना, जो हॉर्मोन्स हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। यस मैम। तो खुश रहा करो, अप्रिशिएट किया करो अपने आप को, है ना। इफ यू आर एबल टू डूइंग समथिंग, यस, ऐसी तो जिंदगी कटेगी। टेंशन लेंगे तो क्या, टेंशन तो कभी कम ही नहीं होने वाली,
है ना, नीट दोगे नीट भी क्लियर हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओगे, फिर वहां एमबीबीएस की टेंशन है ना, फिर वो टेंशन लोगे, फिर आगे कहोगे नीट पीजी देना, उसकी टेंशन। टेंशन है तो लाइफ में खत्म होने ही नहीं वाली है मरते दम तक, है ना। तो इससे बेटर है जो चीज अच्छी हो रही है खुश रहो उसको। क्या लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पे जो एम एन है प्लस थ्री में है ना? वेरी गुड चांदनी। एम एन आपका प्लस थ्री में है, यानी कि क्या है, डी फोर है। तो वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, पेयरिंग हो जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा, और जैसे ये यहाँ चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा ना, एक पेयरिंग करवाती दो डी खाली मिल जाएंगे। अब इसकी मत करा देना बेटा, बहुत गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एस पी थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, डी टू एस पी थ्री। ये थ्री डी वाली है, ये फोर एस वाली है, फोर पी वाली। एनसीईआरटी में बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, ठीक है। और अगर वो मान लो आपसे पूछता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, तो 2.8 समथिंग आएगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा, डी टू एस पी थ्री और ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्लियर है सबको? इसको मत पेयरिंग करवा देना, मेरे को पता आप में से हो सकता है किसी ने करवा भी दियो, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट वाला क्वेश्चन आएगा फिर गलत कराओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें एक सेकेंड, आई गेस मोर देन वन करेक्ट है, एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से मोर देन वन करेक्ट वाला है ये। मैम यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब मैम इस लाइन का मतलब? आपको ये चेक करना है बेटा, जो ये चार कंपाउंड्स आपको कॉम्प्लेक्स आपको दिए हैं, किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे भी थ्री आ रहे हैं, यहाँ पे भी थ्री आ रहे हैं, यहाँ टू आ रहे हैं, टू आ रहे हैं, तो इन दोनों में सेम है ना, तो आपको वो बताने करेक्ट है, तो इसलिए मोर देन वन करेक्ट भी है। अगर मान लो नीट में आना हुआ तो नीट में कैसे आएगा, वो ऐसे देख के रखेगा, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड है ना, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे करके देगा वो। अब लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आपको बताना है फिर, इसलिए मैंने बोला कि मोर देन वन करेक्ट होगा। मैम इसमें मैंगनीज है जो, मैम वो डी फाइव फोर एस टू होगा, उसमें फोर एस टू में से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक डी फाइव में से जाएगा, तो मैम डी फोर बचेंगे, तो ये तो ऑक्टाहेड्रल है। हाँ तो क्या हो गया मैम, पेयरिंग तो होगी नहीं क्योंकि क्लोरीन बिक्विल लिगेंड है। हाँ। तो मैम एक ही डी और वाइटल बचा ना, तो ऑक्टाहेड्रल में डी टू एस पी थ्री होती है या फिर एस पी थ्री डी टू होती है। तुमसे ज्योमेट्री थोड़ी ना पूछे किसी ने, अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ ना, ये D5 कैसे होगा, Mn plus 3 में D4 होता है भाई। Yes, हाँ वही मैम, वही मैम, उन्होंने ये भी बोला ना, आउटर और बाइटल कॉम्प्लेक्स, आउटर और बाइटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाँ तो ये देखो ना, बना लो इसको, 1 2 3 4 है ना ये। Yes, ma'am. इसमें डी बचा है तो बचने दो, पेयरिंग तो नहीं होने वाले किसी बाल में, तो sp3 d2 होगा। ओके मैम, ठीक है चलो, सारे ही sp3 d2 है बेटा। ये वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल, मतलब उसने वो बता दिया है कि ये सारे के सारे आउटर ऑर्बिटल है। दीक्षा आप बताओ मैम, ऑप्शन 2 एंड 3। टू में कितना आ रहे हैं, टू में एफ ई प्लस थ्री में है तो फाइव आएगा। yes. कोबाल्ट प्लस थ्री में डी सिक्स आएगा, बट वीक फील्ड लेके आना तो चार अनपेयर्ड आएंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड होगा ना। यस यस मैम, ठीक है
ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए बेटा। चलो आगे, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें भी मोर देन वन करेक्ट है बेटा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना नहीं तो मैं बताती हूँ। आपसे पूछा है एक्वस पिंक सॉल्यूशन है कोबाल्ट 2 क्लोराइड का, जो कि चेंज हो रहा है डीप ब्लू कलर में जैसे तुमने उसकी रिएक्शन कराई एक्सेस ऑफ HCl। अब तुम मुझे बताओ, पहले पिंक कलर है ना, पिंक कलर लाइट पिंक होगा, उससे डीप ब्लू कलर है में चेंज हो रहा है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स जो रहा होगा जो कि डीप ब्लू में चेंज हो गया होगा उसका वेवलेंथ बड़ा होगा ना। इधर देखो विभिन्न में, ठीक है, अगर मैं वॉलेट कलर ले लूं तो लगा लो पिंकिश सा कलर होगा बिल्कुल, अगर मैं बात करूं लाइट पिंक तो आप ब्लू की तरफ जा रहे हो, समझा रही हूँ कि किस तरीके से अप्रोच करोगे, तो वेवलेंथ बढ़ेगी ना आपकी, और वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो डीप ब्लू कलर है उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। अब आप चेक करो कि किस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, ये देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, स्मॉलर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये तो ठीक है, आपको इसमें मोर देन वन करेक्ट बताना है। फिर वो बोल रहे हैं कि अगर कोबाल्ट हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है तो वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसमें, और आपको पता है टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम है, एनर्जी ज्यादा होगी, सॉरी एनर्जी कम है, वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो इसका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान रखना बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड, एक्वस मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा, ये वाला जब आप इसकी एक्सेस ऑफ HCl के साथ कराते हो तो आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलता है COCl4 वाला, टेट्राहेड्रल वाला, ठीक है। इसी का कलर क्या होता है, ज्यादा इंटेंस होता है, ठीक है, कर लोगे। ये आपका कहाँ से पूछा है, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा ये, तो यानी कि ऑप्शन सेकंड और थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर हेट्रोलिप्टिक, इसमें भी मोर देन वन करेक्ट है। बताओ क्या होगा, हम कोई भी बता दो, हाँ चैट बॉक्स में बता दो, काजल बताएगी, रुको काजल बताएगी, काजल यस सर बताओ, मैम ऑप्शन 1 और 3 बेटा, हेट्रोलिप्टिक ये थोड़े ना होता है। अक्षरा आप बताओ, मैम 4th, मोर देन वन करेक्ट है, मैम सेकंड एंड फोर्थ, तुम लोग ना देखो अगर मैं ना भी बोलू ना मोर देन वन करेक्ट है फिर भी तुम्हारे आना चाहिए। हेट्रोलिप्टिक क्या होते हैं, जब मोर देन वन प्रेजेंट हो, यस मैम, और अगर सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो तो वो होमो में होते, बिकॉज होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चंस तुम खुद कर लोगे क्या, जल्दी छोड़ देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन कौन सा करके बताओगे, ये वाला कर दो, चलो एक दो और करा देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन करो, क्लोरोफिल में कौन सा सेंट्रल एटम होता है भाई, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैसा है मेटल, ट्रांजिशन है या नॉन ट्रांजिशन मेटल है, नॉन ट्रांजिशन, वेरी गुड। तो क्लोरोफिल अगर आप नोटिस करो ब्लड पिगमेंट में कौन सा होता है, आयरन, विल्किंसन कैटलिस्ट में रोडियम, सोडियम, और विटामिन B12 में कोबाल्ट, तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं आयरन रोडियम कोबाल्ट ये सारे डी ब्लॉक हैं, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनमें से बताओ कौन सा ऐसा जो मतलब क्लोरोफिल में मतलब ऐसा कुछ पूछ ले
कि इनमें से नॉन ट्रांजिशन मेटल किस में होगा, तो ध्यान रखना क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम विच इज अ नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन, बाकी सारे क्या होता है ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं। आयरन में विल्किंसन कैटलिस्ट में रोडियम प्लस वन में होता है, इसमें कोबाल्ट प्लस थ्री में होता है, एफई प्लस टू, मैग्नीशियम प्लस टू, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ऑप्शन लगा लेना। अब ये देखो ये वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसके। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, मैच द फॉलोइंग करना, हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे मैंने अभी करा दिए, देख रहे हो? यस मैम। यस मैम। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना तुम्हें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, एंड देन क्या करना है मैच द फॉलोइंग करना। रात को अगर तुम ये बिना करे सो गए ना, चाटा लगा दोगे, ठीक है? उसके बाद इसमें से मुझे ये बताओ एंटी कैंसर एजेंट कौन सा होता है? सिस्प्लेटिन होता है। अच्छा मुझे ये बताओ अनायन ऑफ एसिटाइल एसिटोनेट जो ये बनाया हुआ है चिलेट विद कोपाल प्लस थ्री, कितनी रिंग बनती है? कैसा लिगेंड होता है? एसी एसी बायडेंटेट होता है ना, दो ऑक्सीजन देने वाले, ये भी देता है ये भी देता है, ठीक है? तो अगर ये मेटल से अटैच करेंगे तो दोनों एक साथ करेंगे, हैं कितने? तीन, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी? थ्री मेंबर। वेरी गुड। अगर मैं दिखाना चाहूं थ्री मेंबर बनेगी ना, दो इस एक इससे, सॉरी सिक्स मेंबर रिंग बने, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा, राइट? तो सिक्स मेंबर बनने वाला है यहाँ पे, राइट? तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सिक्स आ जाएगा, ठीक है? बिकॉज एक एसी एसी क्या है, इसमें दो ऑक्सीजन डोनर एटम होते, तो तीन में क्या होगा? छह होगा, ठीक है? तो चिलेशन कर लेंगे, तो जब आप चिलेशन करवाओगे ना तो आपकी क्या बन जाएगी? सिक्स मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है? याद करो ईडीटी में बनवाया था मैंने, याद करो। यस यस मैम, ठीक है? उसके अलावा ये क्वेश्चन तुम करने का ट्राई करना, मैंने सिखा दिया। ये वाला क्वेश्चन करना, आपसे पूछा है कि रेड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होंगे व्हेन इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ डाइमिथाइल क्लाइऑक्साइम, जो कि उन्होंने पहले ही बना के दिया हुआ है, जब तुम ऐड करोगे निकल में, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। नोट ट्रू लिख लेना जब भी पेपर में आए। पहला ऑप्शन दिया है रेड कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो स्क्वायर प्लानर है, फिर बोल रहा है एच बॉन्डिंग होगी, फिर कहता है क्या वो टेट्राहेड्रल होगा, फिर कहता है कि डाइमिथाइल क्लाइऑक्साइम बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं होगा? याद करो मैंने बनवाया था ये तुम्हें डीएमजी, निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स। मैम एक मिनट, फिर जल्दी करना। येलो स्ट्रक्चर, सम स्टेटमेंट दिखाना, ये लीजिए। भूल गए लगता है, ये देखो ऐसे बनेगा ना ये, अगर मैं ध्यान से देखना, अब क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ, ओ नेगेटिव, या यहाँ पे O नेगेटिव और OH दिखा दो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, ये तो ठीक है, ठीक है? और बीच में क्या होगा? निकल होगा, तो ये चारों नाइट्रोजन देने वाले हैं, तो ज्योमेट्री कैसी होगी? स्फीयर प्लानर होगी, ठीक है? अगर मैं डाइमिथाइल क्लाइऑक्साइम की बात करूँ तो बाइडेंटेट है, बिकॉज दो डोनर एटम है, राइट? तो कौन सा वाला गलत होगा इसमें? टेट्राहेड्रल वाला, सी ऑप्शन। तो ये इस तरीके से करना, प्लीज नोट्स को रिवाइज कर लेना, ठीक है? इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए हैं वो प्लीज घर से करना, काफी सारे मैंने इसमें क्वेश्चन डाले थे, ठीक है? ये देखो काफी सारे क्वेश्चन डाले हैं, तो अराउंड शायद 10-12 क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें करने हैं, बिना करे मत सोना रात में, क्लियर है? यस मैम। यस मैम, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना और इनको सॉल्व कर लेना।